गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। मिंत्रा का विंटर वेयर हॉल देखने आए हो, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो के पार्ट वन को देखना पड़ेगा। मैंने काफी क्यूट और अच्छे स्वेटर्स और स्वेटशर्ट शेयर किए हैं, तो पार्ट वन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आप पार्ट वन देखकर आ गए हो तो चलिए आज का अभी हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हाय, माय नेम इज हीरल। मैं यहाँ पे ब्यूटी और फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। जितने भी मैं विंटर वियर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूंगी, तो प्लीज चेकआउट करना मत भूलना। और तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का मुहूर्त करने वाले है हम इस क्यूट से प्यारे से पुलोवर के साथ। पुलोवर है फ्रॉम रोडस्टर, इसमें मैंने साइज मंगवाई थी एस और इसकी प्राइस थी 576। और इसमें कलर आपको और भी कलर मिल जाएंगे। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आपको इसमें ब्लैक और काफी ज्यादा 3-4 कलर थे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी अच्छे अच्छे कलर इसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये मुझे कलर काफी अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। अब देख सकते हो ये पुलओवर है और इसमें आपको नेक साइड और दोनों स्लीव के साइड व्हाइट ऐसी प्रिंट दिखेंगी। और ये काफी अच्छा वॉर्म भी है, तो इसका जो कपड़े का मटेरियल है ये काफी अच्छा है। और इसकी स्लीव एकदम लॉन्ग है, तो ये पहनने के बाद भी आपको हाथ में ठंडी बिल्कुल लगने नहीं वाली है, तो ये मुझे काफी पसंद आया। और इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था, एकदम पिंक कलर, मतलब लाइट पिंक कलर या बेबी पिंक कलर आप जो भी बोलो वो है। कपड़े की मटेरियल भी काफी अच्छे। ये है रोडस्टर का क्रॉप स्वेटशर्ट, क्रॉप है तो इसके साथ आपको हाई वेस्टेड जींस तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि ठंड में हम ऐसे क्रॉप पहनकर नहीं जा सकते क्योंकि स्टाइल तो मार लेंगे लेकिन ठंड भी तो काफी लगती है, तो जैकेट्स के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो। और इसकी प्राइस थी 372। मुझे तो ये काफी पसंद आया, इसको तो मैं रखने वाली हूँ। और ये काफी मस्त है और इसकी स्लीव भी आप देख सकते हो एकदम लॉन्ग है, तो ये पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, बहुत मस्त कलर है इसका ये। और क्वालिटी की बात करें कपड़े की तो ये भी काफी अच्छे, और ज्यादा गर्म नहीं है लेकिन एवरेज है। अगर आपको इसके ऊपर कवर तो करना पड़ेगा ही और कुछ तो पहनना पड़ेगा ही, तो अगर आपको इसको अंदर पहनने के लिए ठंड में तो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट है ये रोडस्टर का वुमन व्हाइट सॉलिड शेरपा स्वेटशर्ट। तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार व्हाइट कलर का स्वेटशर्ट लिया है, क्योंकि ऐसे तो मम्मी लेने ही नहीं देती, बोलती है गंदा कर देंगी, ये कर देंगे। इसमें आपको और कलर मिल जाएंगे अगर आपको लेने हैं तो, लेकिन मुझे तो व्हाइट ही चाहिए था क्योंकि मैंने इसमें आप होल वीडियो में देखो कि आपको कोई भी व्हाइट कलर नहीं मिलेगा, सारे मैंने डार्क कलर ही लिए। लेकिन फिर भी मम्मी से डांट तो बाद में खा लूंगी, लेकिन फिर भी मुझे ये व्हाइट कलर बहुत पसंद आया, तो इसको तो मैं हाथ से जाने देने वाली थी नहीं। और इसके कपड़े के मटेरियल की बात करें तो ये काफी अच्छा है, वॉर्म भी है, क्रॉप है, क्रॉप स्वेटशर्ट है, हाथ में लेने से इतना मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, पहनने के बाद भी एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि निकाले ही नहीं, इतना मस्त लग रहा था। हॉल वीडियो हो और मैं उसमें ब्लैक कलर ना लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये रोडस्टर की वुमन ब्लैक सॉलिड पुल ओवर, इसकी साइज है एस, इसकी प्राइस है 479। और आपको व्हाइट और येलो कलर में ऐसी लाइनिंग दी है, यहाँ पर भी है, नीचे भी है, और दूसरी एकदम सिंपल सा स्वेटशर्ट है,
आप देख सकते हो ये एकदम पतला है, तो ये आपको नॉर्मल गर्माहट देगा, नॉर्मल लेंथ है, ये क्रॉप नहीं है ना ही ज्यादा लॉन्ग है। गाइस ये भी रोडस्टर से ही है और आप इसकी ये जो पैटर्न देख सकते हो ना बलून स्लीव की, और ये मैंने इसमें साइज बड़ी मंगवाई थी, एम साइज मंगवाई थी, लेकिन मुझे ये साइज परफेक्ट आ गई और मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये जो ऐसे बैगी बैगी स्टाइल लग रही है ना मस्त लग रहा है, और इसका ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना रेड वाइट और पिंक का मस्त एकदम परफेक्ट लग रहा है। और इसकी जो क्वालिटी की बात करें ना एकदम 100% अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया और एकदम वार्म भी है ये। अब वक्त है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा की हमारी परंपरा जारी रखते हुए, क्योंकि जो मुझे सबसे फेवरेट होता है ना वही पहनकर मैं वीडियो बनाती हूँ, वुमन रस्ट ऑरेंज केबल नेट पुलओवर साइज है एस, इसकी प्राइस है 741 और इस आप देख सकते हो इसका टर्टल नेक है, तो टर्टल नेक एवरग्रीन, आप उसमें कभी भी धोखा नहीं खा सकते हो। विंटर वियर में टर्टल नेक तो काफी एकदम ट्रेंडी रहता है और एवरग्रीन है। इसकी मटेरियल की बात करें ना तो ये अच्छा है, वार्म है, अभी मुझे ठंड नहीं लग रही क्योंकि अभी मैं गर्मी हूँ, उतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा है, नॉर्मल ठंडी रोक लेता है। बहुत सारे टर्टल नेक स्वेटर या पुलओवर में ऐसा होता है कि यहाँ से काफी टाइट होता है, तो मतलब पहनने के बाद ऐसा लगता है किसी ने हमारे गला दबा दिया, साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम कंफर्टेबल है, मटेरियल भी कंफर्टेबल है। ऐसे जो मटेरियल के स्वेटर्स पुलओवर्स आते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि उसका जो अंदर से मटेरियल होता है वो हमें इरिटेट कर देता है कई बार, तो हमें पहनना पसंद नहीं होता, और जो टर्टल नेक होते हैं यहाँ से टाइट होते हैं तो पहनने भी मुश्किल ही होती है और उसको पहनने रखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है, अगर आप इसको टकिंग करके स्टाइल कर सकते हो, मुझे तो ये कलर सबसे प्यारा लगा और मुझे ये कलर बहुत पसंद है। के अंदर के ही आपको दिखाया है, तो ये काफी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में, तो आई होप आपको मैंने ये जितने भी स्वेटर्स और पुलओवर्स आपके साथ शेयर किए हो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही हॉल वीडियोस, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस और फैशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, कमेंट भी करना आपको कौन सा पसंद आया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।